प्रायोजक हैं मिश्रा स्टडी पॉइंट, जो दे रहे हैं 7 सालों से लगातार छात्रों को एक बेहतर भविष्य। सेक्टर क्यू, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सह प्रायोजक ग्रोसब ऐप, अब ऑनलाइन मंगाइए घर बैठे अपनी जरूरतों का सारा सामान। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस, आखिर 27 साल बाद 30 सितंबर को एक तारीख सुनिश्चित करी गई है जिस दिन इस विध्वंस केस का फैसला आना है। इस बात की पूरी कहानी आने वाली फैसले की तारीख के बारे में R9 भारत आपको बताएगा विस्तृत रूप से। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, पर जिस जगह यह मंदिर बनाया जा रहा है वहां विवादित ढांचा था। इसे गिराने के मामले में फैसला आने में अभी कुछ दिन बाकी है। 27 साल पहले अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को ढहा दिया था, ऐसा लोगों का कहना था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई दिग्गज नेता आरोपी की कतार में खड़े हुए हैं। लखनऊ की विशेष अदालत इस मामले पर 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सभी को फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहना पड़ेगा। दरअसल यह बात है 6 दिसंबर 1992 की, जहां राम जन्मभूमि में ढांचा ढहाने के मामले में FIR दर्ज करी गई थी। इस केस में कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया समेत 17 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। आरोपियों में विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, रामविलास वेदांती, साक्षी महाराज, विहिप नेता चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य भी लोग शामिल हैं। इस पर आडवाणी जी ने 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। उन्होंने उस समय केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि उन पर लगे हुए सभी आरोप राजनीतिक से प्रेरित हैं और सुनवाई 4.5 घंटे तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हम आपको यह भी बता दें कि अप्रैल 2017 से CBI के स्पेशल कोर्ट को 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया था। 1 सितंबर को विशेष जज SK यादव ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और इसके बाद जज ने फैसला लिखना शुरू किया। जज SK यादव ने कहा कि इस मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर 30 सितंबर को फैसला क्या आएगा। यह बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का मामला 27 साल बाद 30 सितंबर को निर्णय के रूप में बदल जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस और राम जन्मभूमि की इस पूरी कहानी को R9 भारत आपको दिखाएगा विस्तृत रूप से। हालांकि आज की पीढ़ी उस समय के मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख पाई, लेकिन इन दृश्यों के माध्यम से आप उस स्थिति का अंदाजा जरूर लगा पाएंगे। देखिए R9 भारत की इस खास पेशकश में। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।